हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री फायर के आने वाले अपडेट्स के बारे में, जिसकी वजह से गेम अभी ओपन नहीं हो रहा है। और ये कब तक ओपन होगा और क्या आएंगे नए अपडेट्स, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो समझ रहे कि मेरी आईडी बैन हो गई या फिर मोबाइल में फ्री फायर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उनको बता दूँ कि फ्री फायर के अपडेट से जिससे सर्वर डाउन चल रहा है, ये शाम 5 बजे तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसे प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी का प्ले स्टोर से अपडेट नहीं हो रहा तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर से चालू करें, फिर आपका प्ले स्टोर से फ्री फायर अपडेट हो जाएगा। तो अब हम बात करें फ्री फायर में कौन कौन से अपडेट आने वाले हैं। सबसे पहले टेस्ट स्कोर के बारे में बात करें, जिसमें आने वाला है रिंग मोड। और ये रिंग मोड और जो क्लासिक वाला रिंग मोड दोनों अलग अलग होंगे, जिससे उसकी आपकी उसमें रिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अलावा क्लेज स्कोर में स्मोक ग्रेनेड आने वाला है, जो कि क्लेज ग्रेनेड की जगह आएगा। इसकी प्राइस 300 होगी। अगर आप इसको फेंकते हैं तो उससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा, जो 25 सेकंड तक रहेगा। साथ ही यूएमपी की जगह क्लेज स्कोर में आपको N60 देखने को मिलेगी और CG-15 की जगह थम्सो गन देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। और इसे फ्लैश ग्रेनेड की जगह स्मोक ग्रेनेड दिखेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। साथ ही कार्बाइन के साथ बायोमेट्रिक स्कोप भी आएगा, जिससे इसका डैमेज बढ़ जाएगा और एक्समेट और M1040 की प्राइस अब बढ़ जाएगी। कुछ अपडेट अब क्लैरिटी मैप में आने वाले हैं, जैसे कि कुछ जगह के कवर हटा दिए गए हैं और इंडोर आउटडोर की ब्राइटनेस बढ़ा दी गई, ताकि बंदे उसमें आसानी से दिख सकें। अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की ओर, जिसमें आने वाला न्यू कैरेक्टर केपला, जो कि आपको फ्री फायर की स्टोर में अपडेट्स के बाद मिल जाएगा। इसकी स्किन ये है कि अगर आप किसी बंदे को हील करते हैं तो वो वापस से नॉक होता है, तो अब जो जल्दी ख़त्म नहीं होगा वो 10% इसकी हीलिंग स्किन बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको कैलेंडर का सिस्टम कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे अपडेट्स के बाद। उसमें कुछ मिशन है जो बहुत से बंदे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो कम कर दिए, जैसे कि आपको 600 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ही कंप्लीट करना होगा मिशन में। और जो किल्स का है उसमें लॉन्चर का नहीं गिनाएगा, यानी आपको दूसरी गन से मार गई वो 200 किल्स का मिशन पूरे करने होंगे। अब फ्री फायर में मोटर बाइक में भी कुछ अपडेट आने वाले हैं, जिसमें आपको 2 सीट देखने को मिलेगी, यानी आप एक बाइक पर 2 बंदे बैठ कर उसमें जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थम्सो गन की, जो कि क्लेज स्कोर में CG-15 जगह की। साथ ही ये गन क्लासिक मोड में अवेलेबल होगी। ये SMG गन होगी, जो M240 के पावर को कम करने के लिए लाई गई है। इसके हम बात करते हैं अगले अपडेट में, जिसमें आपको MP5 और UMP में कुछ बदलाव देखने को मिलेगी, जिससे ये गन आप पहले से बेहतर हो जाएगी। फ्री फायर के आने वाले अपडेट में आपको कुछ बदलाव शॉट वाली शॉटगन M1887 में देखने को मिलेगी, जिसकी रेंज और डैमेज कम कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट से, फ्री फायर में आने वाला है न्यू पेट, जिसका नाम मोटेरा है, जिसकी स्किन ये है कि अगर आप किसी अपने टीममेट्स को ट्रीटमेंट गन से ट्रीट करते हैं तो उसकी HP बढ़ने के साथ साथ आपकी AP बढ़ी। अगर आप उसको 200 HP तक ट्रीट करते हो तो आपकी 100 AP बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ अपडेट फ्री फायर में आने वाला है, जिससे कि खिलाड़ी आप पत्ते पर छीन सकते हैं। प्लेयर शॉट में आपको बैकपैक की स्किन दिखाई देगी, ऑटो पिकअप की जो देरी को उसको कम कर दिए गए हैं। कलर में आपको कॉमो बॉक्स दिखाई देगा। अब जो प्लेयर होंगे वो डबल क्लिक करके मशरूम को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब फ्री फायर में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अपडेट आने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप रैंक मैच खेल रहे थे क्लासिक मैच। इसके अलावा कुछ अपडेट इलीट पास में भी आने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ नए मिशन दिखाई देंगे। इलीट पास का जो कलर होता है वो इसको चेंज कर दिया गया है।